गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं नाइन्थ क्लास के नंबर्स चमकी 1.6 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन 1.6 से थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई ई वाले पार्ट करूँगा। ये दो पार्ट मैंने दो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में कर दिए हैं, तो अब मैं ये करूँगा ई वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूले जो दे रखे हैं एक्सपोनेंट के, जो बच्चों ने सेवन्थ क्लास और एट्थ क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर में लर्न कर रखे हैं, ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं इन क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। मैंने क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं सिंपलीफाई। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1/5। इस क्वेश्चन में देखिए 2 2 बेस क्या है, सेम है, तो बेस सेम वाला फॉर्मूला हमारा ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, जो सेवन्थ और एट्थ क्लास में आपने लर्न कर रखा है, इसका आंसर होता है ए की पावर एम प्लस एन। दैट मीन पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 2 प्लस 2/3 प्लस 1/5, पावर इन दोनों की हमने ऐड कर दी। ऐड कैसे करनी है, फुल मैथमेटिकल तरीका। एलसीएम लेंगे पहले आप, 15 आएगा, फिर 3 के टेबल में 15 कितनी बार जाता है, 5 जा, और 2 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन प्लस में आ जाएगा, 5 के टेबल में 15 कितनी बार जाता है, 3 जा, 3 × 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 वन नीचे रहेगा, अब जे का हो जाएगा 2 × 5 10 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, 15 वैसे का वैसे आ जाएगा, 10 + 3 कितना आ जाएगा, 13, और नीचे क्या आएगा इसका, 15 आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये क्या आएगा नीचे, 15 आएगा, ठीक है। तो आंसर है 2/13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट 1/3 की पावर 3 होल ब्रैकेट 7। सो ब्रैकेट जो है, ये पहले हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे ये 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 7 जो कितना होता है, 21 होता है। ये 1/3 की पावर 21 है, तो ये इसको ऊपर लिखना होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, बस ये इतना ही है इसका, तो क्योंकि जब डिनोमिनेटर में आता है तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4 दे रखा है। ये क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज होती है ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, जो कि 8th और 7th क्लास में लर्न किए बच्चों ने, तो इसका आंसर आता है ए की पावर एम माइनस एन, ऊपर वाले से नीचे वाली पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो सिंपल है ये 11 की पावर 1/2 - 1/4। अब सेम तरीका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम मैंने यहाँ शो कर रखा है 2 और 4 का, एलसीएम आ रहा है 4। अब 2 के टेबल में 4 कितनी बार जाता है, 2 जा, 2 × 1, माइनस 4 के टेबल में 4 बन जाता है, तो 1 वैसे आ जाएगा, एंड 2 × 1 2, -1/4, 11 यहाँ पर है, इन दोनों को माइनस करा, बचा हमारा 11 की पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका 7 की पावर 1/2 ओके इंटू 8 की पावर 1/2। इसमें नीचे वाले नंबर सेम नहीं है, मगर पावरें सेम है। पावर सेम के लिए गारंटी हमारे पास है ए की पावर एम डॉट बी की पावर एम, जिसमें पावरें सेम है, वो क्या कहती है, ए बी दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे नंबर, ऊपर पावर हो जाएगी सेम। सो क्या होगा, 7 × 8 की होल की पावर 1/2 हो जाएगी, और 7 8 जगह कितना होता है, 56 होता है, 56 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ये एक्सरसाइज, इसमें कोई किसी को कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट्स करके पूछ सकता है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जितना हो सके शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, जल्दी मैं नई एक्सरसाइज के सोल्यूशन दूंगा, और कोई किसी को प्रॉब्लम, किसी को कोई चीज़ ना समझ आती हो, समझाने का ढंग ना समझ आता हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात कर सकता है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।